तो गाइस काफी लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो अपनी शॉर्ट वीडियो को बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, उसके बाद गाइस उस वीडियो पे कुछ व्यूज आते हैं एंड उसके बाद उस पे व्यूज आना बंद हो जाते हैं। और गाइस ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, और इसकी वजह होती है वीडियो का शॉर्ट फीड में ना जाना। एक बार अगर आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में चली गई और आपने वीडियो को काफी कमाल का और काफी अमेजिंग बनाया ना, तो उस वीडियो पे अचानक बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो ऐसे में गाइस आप एक ट्रिक लगा सकते हैं जो सच में काम करती है, और ये ट्रिक आपको कब लगानी है उससे पहले आपको थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे मान लो आपने एक शॉर्ट वीडियो को बनाया, आपने उसको अपने चैनल पर अपलोड किया, उसके बाद आपने उसको पब्लिश कर दिया एंड उसमें अचानक से 100-200 व्यूज आए, और उसके बाद 10 से 12 घंटे बाद उस वीडियो पर अगर एक भी व्यू नहीं आया तो आपको इस ट्रिक को लगाने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर आपने वीडियो को अपलोड किया एंड उसके बाद 500 व्यूज आए, फिर अचानक 2-4 घंटे बाद उसमें 500 व्यूज और आ गए, तो आपको इस ट्रिक को लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है, जैसे मान लो आपने किसी शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया एंड आपने 10-12 घंटे बाद उस वीडियो को देखा तो उसमें कोई भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपके जितने व्यूज आए हैं बस वहीं पर रुक गए हैं, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को इजिली डिलीट कर देना है एंड अब उस वीडियो को री अपलोड करना है, यानी कि आपको उस वीडियो को दोबारा से अपलोड करना है और उसका जो टाइटल होता है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। और उसके बाद भी अगर उस वीडियो पे व्यू ना आए तो आप एक बार उस वीडियो को फिर से डिलीट करके फिर री अपलोड करना। और गाइस ये आपको 2 या 3 बार करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अगर इतना करने के बाद भी अगर उस वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है ना, तो आपकी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर है, यानी कि आपने जब वीडियो को अपलोड किया है ना तो जो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट एक थंबनेल सेट हो जाता है ना, आपने देखा होगा जब शॉर्ट वीडियो को हम अपलोड करते हैं तो एक डिफॉल्ट थंबनेल ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, तो हो सकता है वहां पे थंबनेल ठीक तरीके से ना शो कर रहा हो, जिस वजह से बंदे वहां पर क्लिक ना कर रहा हो। तो शॉर्ट वीडियो में अच्छा सा थंबनेल कैसे लगाएं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जाके जरूर देख लेना। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी का एक अट्रैक्टिव थंबनेल अपनी वीडियो के अंदर चिपकाएंगे, यानी कि उसमें ऐड करेंगे ना, तो वो थंबनेल आप अपनी मर्जी से वीडियो में सेट कर सकते हैं, तो बंदा उस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाएगा। और इससे क्या होगा ना, आपकी वीडियो एक बार अगर बूस्ट मार गई ना, अगर उस पर व्यूज आना क्लिक होने लगे ना, तो वो वीडियो बूस्ट मारने लगेगी, और एक बार वो बूस्ट मार गई तो उसको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइस वो बात अलग है कि बहुत सारे बंदों का क्या है ना, लक काम करता है, तो उनका अगर जब लक काम कर जाता है ना, तो उनकी वीडियो में कुछ भी नहीं होता, देखने में कुछ भी नहीं होता, बट उनके अचानक से व्यूज बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो वो तो हुई एक लक की बात, ठीक है। बट अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया ना आपको, तो आपको इस तरीके को जरूर ट्राई करना है, क्योंकि मैंने खुद अपनी वीडियो पे ट्राई किया है। मैंने एक बार अपनी वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद व्यूज नहीं आए, मैंने उसको डिलीट कर दिया, फिर मैंने दोबारा उसको अपलोड किया, फिर मैंने देखा तो उस पर व्यूज आ गए थे, तो मैंने सोचा आपको इस ट्रिक के बारे में बताया जाए। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, इसी से हमें थोड़ी बहुत सीख मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आना चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो फिर मिलता हूँ इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।